इधर टीआरपी गेमिंग जोन अग्निकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। अग्निकांड में गेमिंग जोन के पार्टनर की जलकर मौत हो गई है। एफएसएल की डीएनए जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है और सीसीटीवी में नजर आ रहे प्रकाश हिरण जैन की मौत हुई है। पुलिस ने प्रकाश जैन पर दर्ज की थी एफआईआर। पुलिस ने प्रकाश जैन को भगोड़ा घोषित किया था और 6 आरोपियों में से प्रकाश जैन भी आरोपी था। देखिए बड़ी खबर है, अग्निकांड गेमिंग जोन के मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस जिस व्यक्ति को तलाश रही थी, जिस आरोपी को तलाश रही थी, उसकी भी जलकर मौत हो गई। घटना में वेसल की डीएनए जांच रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए 6 आरोपी थे और प्रकाश जैन को भगोड़ा घोषित किया हुआ था, लेकिन जानकारी मिली जो डीएनए रिपोर्ट सामने आई है उसमें पता चला कि 6 आरोपियों में से प्रकाश जैन भी आरोपी थे, जो कि जलकर इस घटना में उनकी मौत हो चुकी है। का खुलासा हुआ है। देखिए कहा यह भी जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज जो बरामद हुई है उसमें प्रकाश जैन को कहीं ना कहीं आग बुझाते हुए देखा गया था, और इसके बाद जब तफ्तीश आगे बढ़ी, जांच आगे बढ़ी, तभी पाया गया कि जो लोग मरे थे उसमें प्रकाश जैन भी शुमार था। उनकी माता से उनका डीएनए टेस्ट किया गया। और निकुल हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। निकुल देखिए, जिस व्यक्ति को तलाशा जा रहा था, जिस आरोपी को तलाशा जा रहा था, वही आरोपी पूरे हादसे का शिकार हो गया। जी बिल्कुल, जो एक गुजरात था, जो शिकार हुआ था उसके मुख्य आरोप था, पर प्रकाश जैन नहीं मिला के बाद उसने उसको बगेड़ों की कोशिश की। जब से प्रकाश जैन था तब से पुलिस ने उसकी जांच शुरू कर दी थी। फिर प्रकाश जैन का भाई सामने था और वो पुलिस ने बताया, उसने उसका भाई कई दिनों से मिल नहीं रहा नहीं है, शायद उस इस अग्निकांड पर मौत हुई है उसको लेकर जांच की जाए। उसके बाद थोड़ा डिस्टरबेंस निकुल यहाँ पर मोनिका बहुत ज्यादा आ रहा है। आपसे फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे निकुल। इस बीच दर्शकों को हम लगातार बता रहे, देखिए अग्निकांड में गेमिंग जोन के पार्टनर की जलकर मौत हो गई है। फसल की डीएनए जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए जब इस अग्निकांड का खुलासा हुआ तब नगर निगम प्रशासन की आंखें खुली, तब ये मालूम पड़ा कि बिना परमिशन के ये पूरा गेमिंग जोन चल रहा था, जिसकी 3 मंजिला इमारत कह सकते हैं कि खड़ी कर दी गई थी, टिन शेड लगा दिया गया था। प्रशासन को इसकी भनक नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात थी। बिना NOC के, बिना परमिट के ये पूरा का पूरा गेमिंग जोन चल रहा था। और जिस वक्त ये हादसा शनिवार की रोज हुआ तब 99 रुपये का ऑफर चल रहा था। लोग भारी संख्या में अपने घरों से बाहर निकले थे, गेमिंग जोन में अपने परिवार को लेकर खेलने पहुंचे थे। इसके बाद ये दुखद हादसा हुआ। तो निकुल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निकुल और कुछ क्या जानकारी है आपके पास, जरा साझा करें। डीएनए रिपोर्ट आया उसके बाद प्रकाश जैन की डेड बॉडी को पहचानना नामुमकिन हो रहा था, पर पता से जो सैंपल मैच हुए उसके बाद वो जो है वो उनका किया गया है। अभी जो कई आरोपी है अभी फरार है, उनकी छानबीन कर रही है। फिलहाल जिस दिन घटना हुई थी उसके युवराज सिंह सोलंकी और गेमिंग जोन के मैनेजर को गिरफ्त कर लिया गया था। उसके बाद प्रकाश जैन की तलाश जारी, फिर प्रकाश जैन मृतक पाए गए हैं। आपको बता दें कि अभी कहीं जो आला अधिकारी उनके ऊपर एक्शन दे रही है, पहली बार गुजरात में हो रहा है कि वो इस घटना में बेदरकारी दिखाई, ऐसे जो अधिकारी थे उनका मुकाबला कर दिया गया है, उसके साथ कई अधिकारियों कर दिया गया है। सरकार आज एक बैठक करने वाली है, हर सक भी जो गुजरात के गृह मंत्री है वो इस बैठक करेंगे, और बैठक में वो SIT ने अभी तक जांच किया उसका रिपोर्ट मांगने वाले हैं। कल SIT सामने आया था और उन्होंने कहा था कि एक भी जो बच्चा है जाएगा, एक आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी आला अधिकारी शामिल थे जिन्होंने उसको भी छोड़ा नहीं जाएगा। पिछले 4 साल बिल्कुल प्रशासन की नाक के नीचे कई सवाल ऐसे में खड़े होते हैं कि इतने लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हुआ है।